ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। इस साल 2020 में ड्यू टू कोविड आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो बहुत सारी शैतानी कर रहे हैं, आलसी हो गए हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में। तो क्यों ना कुछ ऐसी बात की जाए जिससे कि आप उनको पनिशमेंट की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हैं, या तो आप उसको एक्सरसाइज की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको आप एक एक्टिविटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मुर्गा आसन के बारे में। मुर्गा आसन हमारे पेरेंट्स के स्कूल में भी कराया जाता था जब उनको पनिशमेंट मिलती थी, मुर्गा बना देते थे। तो आज जानते हैं उसका क्या क्या बेनिफिट्स होता है। सो बिफोर आई टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मुर्गा आसन, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो डेट आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चले। चलिए देखते हैं कैसे करना है मुर्गा आसन और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। मुर्गा आसन करने से आप देखेंगे जब हम डाउन अपने आप को नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं तो हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग पे जाता है। तभी पुराने ज़माने में हमारे जो टीचर्स होते थे बच्चों को मुर्गा आसन कराते थे, क्योंकि जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स आवर ब्रेन होता है तो हम अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट, हमारा कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है। सेकेंड थिंग, हमारा ब्लड हेड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो उसके वजह से आप देखेंगे कि अगर आपको ये बड़े लोग भी कर सकते हैं, तो आपका अगर बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, आपके फेस में झुर्रियाँ आ रही हैं, तो आपके ग्लो कम हो रहा है, तो इट विल हेल्प यू इन डैट एज़ वेल। साथ ही साथ हम अपने पेट को ऐसे फोल्ड करते हैं तो अगर पेट निकल रहा है तो इट इज़ अगेन वेरी गुड कि आप अपने एब्डोमेन के फैट को भी कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है मुर्गा आसन को। इसमें हम हल्का सा अपनी नी को बेंड करेंगे और अपने दोनों हाथों को नी के नीचे से लेकर जाएंगे और अपने ईयर्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इनहेल एंड कम बैक। इसमें हम लोग अब देखेंगे इसमें हम क्या क्या गलतियां करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं साइड से आपको दिखाती हूँ कि हमें अपने नी को थोड़ा सा बेंड करना है, फिर उसके बाद अपने हाथों को नीचे से लेकर जाएंगे और मेक श्योर हम अपनी टेल बोन से नीचे झुकें। ऐसे झुकने के बाद व्हाट पीपल डू, वो पूरा ऑफ हो जाते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारा फिर सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। सो आपको टेल बोन से नीचे जाना है एंड देन आपको ऊपर ही रखना है अपने लोअर पार्ट को एंड देन यू हैव टू होल्ड इट। इनहेल कम बैक। इसको आप 3 to 5 टाइम्स करवा सकते हैं एंड रेगुलर करें। आप अपने बच्चों के साथ करें और ख़ुद भी करें, आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट होने लगा है। अगर आपने मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करके देखा है तो आपको समझ में आएगा कि आपके इंस्टेंट ब्लड सर्कुलेशन माइंड पे गया है एंड यू आर फीलिंग लिटिल हैवी। सो अगर आपके बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ ऐड दिस थिंग इन देयर रूटीन एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि मुर्गा आसन को कैसे करना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पुराने जो ज़माने में हुआ करता था उस पर हमेशा लॉजिक होती है, तो प्लीज़ ऐड दिस थिंग इन योर चिल्ड्रंस एक्सरसाइज एंड आप देखेंगे कि आप बच्चों को अगर ये करवा रहे हैं तो उनको इससे बेनिफिट होने लगा है। साथ ही साथ आप भी इसको कर सकते हैं, आप देखेंगे आपके जो हिप मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, वो टोन अप हो रही हैं, साथ ही साथ आपका निकला हुआ पेट अंदर चला गया है। तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सम डाइट जो आप बच्चों को दे सकते हैं जिनसे उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो, उनका दिमाग अच्छा हो। सुनीता मैम वुड बी टेलिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो व्हाट ऑल यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। करो योग, रहो निरोग।